भाई नेपाल भी क्या कल का बांग्लादेश बनना चाहता है क्या? नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा भाई। मेरे समझ में नहीं आ रही, अब देखो आज का जो वीडियो ना थोड़ी कड़वी होने वाली है, हो सकता है आपको भाई अच्छी ना लगे, ठीक है? अगर अच्छी ना लगे तो भैया वीडियो अभी अभी के छोड़ देना। और ये जो है मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मेरा टोटली इमोशन है, ठीक है? वो मैं इमोशन को अपने बाहर निकालने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि भैया अगर आपको अपडेट चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेट में ज्ञान वगैरह चाहिए, तो बहुत सारे क्रिकेट के चैनल हैं अपडेट वगैरह मारते रहते हैं, ठीक है? तो आप उनमें जाके देख सकते हैं। बाकी ये तो मैं अपना भड़ास, अपनी इमोशन, मेरी जो खुशियाँ हैं, मेरे जो गम है, वो आपके साथ में साझा करता हूँ, बांटता हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें ठीक लगती हैं आपको तो बने रहिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ठीक है? वैसे व्यूज़ वगैरह तो आते नहीं है, और इतना कुछ है नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस इतने ही बना रहा हूँ भाई कि चलो यार अपनी भड़ास निकाल लेंगे, दो चार लोग देख लेंगे तो अच्छा लग जाएगा भाई लोगों को, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। नहीं लगता है, नहीं लगता, क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई? ज़बरदस्ती तो हम लाइक नहीं करवा सकते, है ना? अच्छा लगे लाइक करो, नहीं लगे भाई डिसलाइक करो, और क्या कह सकता हूँ मैं। चलो भाई मुद्दे पे आते हैं, आप बात करते हैं आज का क्या है भैया। आज का मैच हुआ नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स। चलो ठीक है यार, पिछली बार हार गए कोई दिक्कत नहीं है, हम मान गए, चलो यार फाइट तो दिखाई, चलो कोई बात नहीं, हार गए फाइट दिखाई वहां पे। अगर थोड़े 20-40 रन और थोड़े ज्यादा बनते तो नेपाल जीत भी सकती थी, लेकिन ये क्या हुआ, मतलब वही चीज यहाँ पे फिर से दोहराई जा रही है। अगर मान लो एक बार गलती होती है तो आदमी क्या करता है, वो गलती को माफ कर देता है, लेकिन अगर दोबारा वही चीज गलती की जाए तो उसे क्या कहेंगे, मतलब उसे तो बेवकूफी कहेंगे ना, उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो आज क्या है, नेपाल के बैटरों ने की है बेवकूफी, और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप कहने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको मीठी मीठी बात कहेंगे, व्यूज के लिए बहुत अच्छा कहेंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, भैंचो हमें नहीं कहना, सीधी सीधी ये बात पता है। जिस तरह से नेपाल ने आज अपना बैटिंग दिखाई है, मतलब एकदम ही बेकार। कुशल भुरतेल ने थोड़ा अच्छी बैटिंग की, 93 में 66 बनाए, चलो यार इतना तो किया, 50 तो मारी, 50 तो लगाई, है ना? अब बात बंदा एक तरफ से टिका रहा। फिर बात करें आसिफ शेख, 17 रन बनाए 27 बॉल खेल के, मतलब क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद में जितने भी बैट्समैन आए, कोई 7 बना रहा है, कोई 2 बना रहा है, कोई 16 बना रहा है, कोई 1 बना रहा है, कोई 0, और कोई आरिफ शेख जो उनके भाई आसिफ शेख के वो 22 बना रहे हैं 50 फेल के। फिर उसके बाद गुलशन झा, इसको तो यार लेना ही नहीं चाहिए, तो टीम में ही रख, मत रखो यार गुलशन झा को, तो भाई पता नहीं क्यों रख रखा है इसको। फिर बात करते हैं करण केसी यार एक बॉलर है भाई साहब, बॉलर है वो, कई मैच उन्होंने बचाए भी हैं, लेकिन वो बॉलर है। बॉलर ये बैट्समैन जो है, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, जो ओपनिंग करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा तो बॉलर खेल रहा है बंदा, तो यार मतलब क्या कहें इसको, ठीक है? अब ललित राजवंशी वो 0, उसे हम उम्मीद ही क्या लगा सकते हैं। तो ये जो पूरी टीम है आज 10 विकेट के नुकसान में पूरी ऑल आउट हुई है, और 172 रन बनाए इन्होंने कुल मिलाकर, और कुछ नहीं है इनका। तो अब मुझे बताइए भैया ये है क्या, क्या क्या कहेंगे इसको, क्या चीज़ कहना चाहेंगे, कुछ है इसके डिफेंड में, किसी को बोलने की कुछ ताकत है, कोई बोल सकता है इसके डिफेंड में? मुझे नहीं लगता कोई डिफेंड में बोल सकता है, ना ही राहुल पोडल कुछ बोल सकते हैं इसके डिफेंड में। पिछली बार बोल दिया, हाँ हमने गलती की, हमारी बैटिंग में कमजोरी थी, ऐसा कुछ बोल दिया, चलो ठीक है एक बार हुई माफ़ कर दिया, अब दोबारा यही गलती फिर से यार। और फिर देखो यहाँ पर क्या हाल हुआ है, 172 उसमें बनाए थे, 172 इसमें बना लिया, बैंसो क्या कर लिया इसमें, 3 रन ज़्यादा बना लिया आपने, और क्या, सॉरी 3 नहीं 4 रन थे, आई थिंक 168 था। तो भाई ये हो क्या रहा है, मतलब क्या नेपाल क्या चाहती है, मतलब दूसरा बांग्लादेश बनना चाहती है? एक बांग्लादेश मैच कितने लंबे टाइम से खेल रही है, ठीक है, आज तक कुछ नहीं कर पाया है ना, तो कोई इवेंट आई थिंक नहीं जीते उन्होंने, कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं जीता उन्होंने आज तक, मतलब वर्ल्ड कप में कुछ नहीं है, ठीक है? तो आज मतलब क्या करना चाहती है, मतलब ये एसोसिएट नेशन का बांग्लादेश बनना चाहती है? अभी भी कैसे जीती, कितने इसी तरह से उन्होंने संभाला, चलो ठीक है पहले के बैट्समैन है वो आउट हो गया, लेकिन फिर बाद में जब मिडिल ऑर्डर आया, फिर उसके बाद में टेलेंडर आए, तो उन्होंने संभाला ना, बनाए 203 रन बनाए। आज वैसे 203 रन बनाते तब भी नहीं हो पाता, तब भी नहीं जीत पाते नेपाल, क्योंकि बॉलिंग इतनी बेकार थी। बॉलिंग में क्या किया आज, कुछ भी नहीं, बॉलर उनकी तरफ से कितने 2 आउट किए बस, आप बिल्कुल भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नेपाल का जो खेल है, चाहे वो बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, दोनों में ही लचर पचर रहा है, बेकार रहा है, कद्दू बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या गेम खेला इन लोगों ने, मतलब जो ऑडियंस है उनका दिन बेकार गया और निराश किया बहुत बुरी तरीके से। बस इतना कहना चाहूंगा, अब आने वाले मैच में देखते हैं क्या किस तरह से खेलती है, ठीक है? अब वगैरह अपडेट वगैरह कुछ नहीं है, बस यही थी मुझे कहना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।